आग लगाई गई, उसकी तस्वीरें, और मौके पर जो है पुलिसकर्मी मौजूद हैं और अब इस मामले को लगातार शांत कराने की कोशिश की जा रही है। तो नया शहर थाना अधिकारी बहादुर सिंह ने भी इस झगड़े को लेकर पुष्टि की है। रात भर किस तरह से झगड़ा चलता रहा इन दोनों गुटों के बीच, एक गुट था कांग्रेस नेता गोपाल गहलोत का, तो दूसरा गुट यशपाल गहलोत का था, जो रात भर इनका आपस में झगड़ा चलता ही रहा और इस दौरान एक बाइक पर भी आग लगा दी गई। तो आखिरकार इसको लेकर जो है नया शहर थाना अधिकारी ने पुष्टि भी की है, और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता लक्ष्मण राघव जुड़ गए हैं बीकानेर से। लक्ष्मण, आखिर क्या वजह बताई जा रही है, ये जो दो गुट है रात भर इनके बीच जो है ये झगड़ा चलता रहा, कुछ जानकारी मिल पाई है इसको लेकर अभी तक? देखिए रितु, पहले तो मैं आपको बता दूं, जो यशपाल गहलोत है यहाँ शहर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष है, वहीं गोपाल गहलोत भी कांग्रेस के नेता है, अशोक गहलोत गुट के माने जाते हैं, पिछला चुनाव कांग्रेस की टिकट पर लड़ चुके हैं, यानी दोनों ही कांग्रेस के बीकानेर के बड़े नेता है एक तरह से। हालांकि स्पष्ट तौर पर कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है कि क्यों झगड़ा हुआ, लेकिन रात भर इनके ग्रुप के लोग आपस में लड़ते रहे, एक बाइक फूकी गई। नया शहर थाना अधिकारी ने बताया है कि हालांकि अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन जो पुलिस ने पड़ताल की है इसमें इन दोनों गुटों के लोग शामिल थे और बाइक यहां पर फूकी गई है। हमने बात करने की कोशिश की कांग्रेस जिलाध्यक्ष यशपाल गहलोत से भी, गोपाल गहलोत से भी, लेकिन फोन नो रिप्लाई आ रहे हैं। अब चूंकि दोनों ही नेता टिकट के दावेदार हैं, पूर्व क्षेत्र में जोर आजमाइश कर रहे हैं, गोपाल गहलोत लगातार सक्रिय हैं, हालांकि क्या कारण रहा झगड़े का ये अभी स्पष्ट तौर पर आधिकारिक तौर पर आना बाकी है, लेकिन निश्चित तौर पर दोनों पॉलिटिकल राइवल एक तरह से थे, हालांकि दोनों एक ही जाति से आते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर चुनावी साल में कांग्रेस के लिए कह सकते हैं बीकानेर में बड़ा झटका इस तरह से यदि दोनों गुटों के लोगों में झगड़ा हुआ है, और झगड़ा ही नहीं बाइक तक फूकने की नौबत आई। और बिल्कुल ये एक पहला मामला नहीं है लक्ष्मण जब इस तरह का मामला सामने आया हो, जो दो कांग्रेसी नेता हैं आपस में भिड़ गए हो। कल भी हमने एक ऐसी तस्वीर देखी थी जहां पर कांग्रेसी नेता जो है आपस में भिड़ गए थे और गाली गलौज भी उस दौरान की गई थी। तो यानी कि इन दोनों अगर मामलों को देखा जाए तो कांग्रेस को बेहद जरूरत है अपने जो भीतरी लोग हैं उनको एकजुट करने की यहाँ पर, क्योंकि चुनावी मौसम जो है वो सामने आ चुका है। तो चुनावी साल में इस तरह से बड़े नेता यदि सड़कों पर लड़ते हैं और लड़ते ही नहीं सभी यहाँ तक पहुँचती है कि बाइक घूम भी जाए, निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं में धड़ेबाजी स्वाभाविक है, कार्यकर्ता धड़ों में बढ़ जाएंगे इस तरह की घटना यदि होती है तो। और चूंकि दोनों नेता जिम्मेदार नेता है, यहाँ माली समाज के भी बड़े नेता है और कांग्रेस के भी एक जिलाध्यक्ष है इस वक्त, तो आप समझ सकते हैं पार्टी के लिए निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए भी एक चुनौती है। हालांकि अभी तक दोनों ही जो नेता है, हम लोग फर्स्ट इंडिया लगातार कोशिश कर रहा है बातचीत हो, उनका आधिकारिक बयान आए, लेकिन अभी बच रहे हैं, थोड़ी बहुत देर में बोलेंगे, लेकिन ये तय है कि दोनों गुटों में झगड़ा हुआ है, बाइक फूकी गई है। लक्ष्मण, कहा जा रहा है कि रात भर जो है ये झगड़ा चलता रहा, किस इलाके में ये झगड़ा हुआ है और इसके साथ ही अब वहाँ पर किस तरह के हालात बने हुए हैं? जसूसर गेट इलाका है जहाँ पर यशपाल गहलोत का भी मकान है, गोपाल गहलोत भी वहीं उधर ही रहते हैं, नया शहर थाना इलाके के अंतर्गत ये आता है। तो थाना अधिकारी बहादुर सिंह ने भी बताया है कि रात भर झगड़े की खबरें थी, हम लगातार पुलिस जो है जैसे ही सूचना आई पहुंच गई थी, फिलहाल जो है जली हुई बाइक जो है पुलिस ने जब्त कर ली है, मामले की पड़ताल की जा रही है, लेकिन निश्चित तौर पर आप सही कह रहे हैं इस तरह से यदि बड़े नेता लड़ेंगे झगड़ेंगे तो चुनावी साल में कांग्रेस में धड़ेबाजी बढ़ेगी। इसको लेकर लक्ष्मण क्या आसपास के लोगों का कुछ बयान यहाँ पर सामने आया है कि रात भर जो है संघर्ष चलता रहा, दो गुट जो है आपस में भिड़ गए, नेता जब आपस में भिड़ गए इसके बाद जो है जनता का किस तरह का रिएक्शन सामने आ रहा है? देखिए अभी बहुत सारे लोगों को पता ही अभी चला है क्योंकि देर रात 3 बजे के आसपास ही कही अल सुबह की घटना है ये, उसके बाद अभी लोग बच रहे हैं इस मामले को बोलने को लेकर, लेकिन निश्चित तौर पर जैसा कि मैंने कहा कि दोनों में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा रही है, हालांकि दोनों साथ नजर आते थे आंदोलनों से लेकर और कार्यक्रमों में कांग्रेस के, लेकिन अब किस वजह से स्पॉन्टेनियस ये झगड़ा हुआ ये अभी आधिकारिक तौर पर उनसे बातचीत के बाद ही कह पाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पर लक्ष्मण हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बीकानेर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे थे जहाँ पर कांग्रेसी नेता गोपाल गहलोत और यशपाल गहलोत जो है वो आपस में